हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम ये पावर एम्पलीफायर रिपेयर करेंगे जिसका मॉडल नंबर है 18,000। तो पार्ट वन है ये इस वीडियो का। एम्पलीफायर के अंदर जो समस्या है वो इसके जो ट्रांजिस्टर होते हैं पीछे वाले, आप देख सकते हैं ये जो जितने भी ट्रांजिस्टर है सारे उड़े हुए हैं। ये तो इसका नंबर है 3773। इसकी जगह 3055 भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। अगर आपको ओरिजिनल मिल जाए तो ओरिजिनल, नहीं तो मार्केट के अंदर डुप्लीकेट मिलते हैं। आजकल ओरिजिनल मिल नहीं रहे, अगर आपको पुराने मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो इस एम्पलीफायर को रिपेयर करेंगे इस वीडियो में। तो इसे खोल के कि इसके अंदर का क्या सीन है, किसी कस्टमर ने मेरे को दिया था। आपने मेरी पहले भी वीडियो देखी होगी, उसके अंदर मैंने बता रखा है कि किसी कस्टमर से आया और उसने इसकी ऐसी तैसी फेर रखी है, ठीक है। ये उसे रिपेयर नहीं कर पाया, इसकी वायरिंग की ऐसी तैसी कर रखी है। तो देखेंगे हम इसको अपने तरीके से करेंगे। अगर ये हमारे पास आया है तो यार इसको हम रिपेयर तो करके देंगे, क्योंकि कस्टमर का बड़ा विश्वास है मेरे पे, ठीक है। तो इसे हम पूरा अच्छी तरह रिपेयर करेंगे, क्या क्या दिक्कत है सब मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। सबसे पहले आपने इसके सारे जो 4-5 नट पेच है सब खोल ले रहे हैं, तो पूरी बॉडी में इसके जंग लगा। तो ढक्कन को रख देते हैं साइड में अभी हम। तो आप देख सकते हैं इस एम्पलीफायर के अंदर क्या कंडीशन है। इसकी जो रेजिस्टेंस है ये वाली मैं आपको दिखा देता हूँ। पता नहीं क्या किया हुआ है, दिमाग खराब एकदम, पूरा इसके गंद मार रखा है भाई। किला इसको ध्यान से देखिए वीडियो, आपको तभी समझ आएगा। इसकी जितने भी 5 वाट की रेजिस्टेंस होती है, ये देखिए वेयर वाउंड रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसे हरी कलर की होती है। तो ये सारी फूकी पड़ी है, सारी नवी लगाएंगे बोर्ड के अंदर, ठीक है। और इसके ट्रांजिस्टर भी बदलेंगे और इसकी पूरी सर्विस करेंगे। कहने का मतलब ये है मेरा, जो भी इसके अंदर ख़राब है सब बदलेंगे। रेजिस्टेंस फूकी आप देख सकते हैं, रेजिस्टेंस कौन सी वैल्यू की है सब बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, हाफ वाट क्वार्टर वाट सारी। तो वीडियो को एंड तक देखना भाई, तभी समझ आएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो मेन मदरबोर्ड है इसको आपने खोल लेना है, ठीक है। इसको बाहर निकाल के इसकी अच्छी तरह सफाई वगैरह करके तब आपने इसको इंस्टॉल करना है। चारों नट मैंने खोल लिए, इसको बोर्ड को ऐसे आराम से बाहर निकाल लीजिए। आप देख सकते हैं भाई ये जितनी भी रेजिस्टेंस है, देखना कलर कैसे छूट रहा है इस रेजिस्टेंस का। इस तरह के फॉल्ट आते हैं, इसको बड़ी ध्यान से करना होता है। ये पीएफ के वैल्यू भी बताओ मिटे हुए हैं। आपके सामने आए तो आप कैसे रिपेयर करेंगे, आप इस वीडियो को देखिए और समझिए। पीसीबी पूरी जल रखी है, यहाँ से पूरी हीट हो रखी है। अब आपने क्या करना है, इसकी मेन लीड को बिजली में लगा देना, इसको सप्लाई दे देना, फिर उसके बाद वोल्टेज आपने चेक करनी है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें लाइट आ रखी है। तो इसकी अब ट्रांसफार्मर की वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्टेज इनपुट आउटपुट पे आ रही है या नहीं आ रही है। मीटर को सेट कर लेंगे 200 की रेंज में, जिसमें फिर उसके बाद वोल्टेज को चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं सीपीयू फैन जो है वो भी चल चुका है, यानी ट्रांसफार्मर में तो वोल्टेज आ रही है। ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, इन पर आपने वोल्टेज चेक करनी है, डीसी वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है। ट्रांसफार्मर से तो वोल्टेज वगैरह सब कुछ आ रही है, बस इसके ट्रांजिस्टर और इसकी वायरिंग में थोड़ी दिक्कत है। तो बताता हूँ कैसे ठीक होएगा ये। देखिए सीपीयू फैन भी चल रहा है और लाइट भी आ रही है। जो डिस्प्ले है वो भी चल चुकी है, अब डिस्प्ले भी चल रही है। हमारी स्पीकर की 2 तारे हैं, इसको लगा के चेक करेंगे पीछे, लगाइए। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ इतना ही काम किया है। नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि इसको रिपेयर करेंगे। आज हमने इसको इसको ऑन कर दिया और लाइट भी ऑन कर दी और हमने पंखा भी ऑन कर दिया, ठीक है। यही काम हुआ हमसे, नेक्स्ट पार्ट में और बताएंगे। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।